हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास मात्र 3 माह है तो कैसे आप 3 माह में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा रणनीति बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं 3 माह में किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई किया जाए। सबसे पहले साथियों, आप सभी अपने सिलेबस का अध्ययन करें, सिलेबस को इस प्रकार से याद कर ले कि आपको पता चल जाए कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे इस चीज़ की जानकारी आप सभी को हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करिए, टाइम टेबल बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप टाइम टेबल बनाइए और इस प्रक्रिया को कम से कम 6 घंटे तक प्रयोग करिए, अर्थात सिलेबस को अध्ययन करने के लिए कम से कम 2 घंटा लगाइए। आप सोचेंगे मैडम सिलेबस के अध्ययन के लिए क्यों इतना ज़्यादा बोलती हैं। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको किस दिशा की ओर अग्रसित होना है। जब आप सिलेबस से अवगत हो जाते हैं तो लगभग आधी तैयारी आपकी हो जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपको किस मार्ग की ओर जाना है। ठीक है, तो लगभग 6 घंटा आप दो चीज़ को देंगे, सिलेबस को देंगे, दूसरा चीज़ क्या देंगे, टाइम टेबल को देंगे। बहुत ही सोचेंगे समझेंगे। अब आप सोचेंगे 6 घंटा कैसे हो जाएगा, तो ये रणनीति आप ध्यान से सुनिएगा। रणनीति ये है 6 घंटे का कि जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के हर एक अर्थात सामान्य अध्ययन के हर एक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित करेंगे इन्हीं 6 घंटे में कि किस प्रकार से आप हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे। आप पुस्तक पढ़ने के डिसाइड के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपका लगता है। कैसे, क्योंकि आप ये देखते हैं यह पुस्तक इस परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं है। और ये कैसे निर्धारित होता है, विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके पैटर्न से पता चलता है, साथ ही उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तथ्य होते हैं। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप पुस्तक पढ़ें ऑथेंटिक पढ़ें। तो ये चीज़ सारे सब्जेक्ट के लिए आप इस फार्मूला को अपनाएंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, एग्रीकल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, एज वेल एज फ्रेंड्स जो आपके सामान्य अध्ययन के अन्य सब्जेक्ट हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही इस चीज़ को देखेंगे कि जब आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो आपके 6 टॉपिक है उसके लिए बिल्कुल भी एक किताब को ना पढ़िएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी एक किताब को ना पढ़िएगा, अवश्य ही 2 पुस्तकों का सहारा लीजिएगा। 2 पुस्तकों को पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है कि यदि एकाध क्वेश्चन एक पुस्तक में नहीं होता है तो वो कवर कर लेता है सेकेंड पुस्तक। और सबसे फ़ायदा ये होता है उसी बहाने कम से कम आपका रिवीजन हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। फ्रेंड्स, यदि आप रिवीजन करते हैं तो जो कन्फ्यूजन होता है वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। और जब कन्फ्यूजन दूर होता है तो पढ़े हुए क्वेश्चन को आप गलती से भी गलत नहीं करते हैं। तो आप अवश्य रिवीजन पे फोकस करिएगा। तो इन सारे मापदंडों को आप प्रारंभिक 6 घंटे में उपयोग करेंगे। अब हम आते हैं प्रथम दिन के ही द्वितीय 6 घंटे में। फ्रेंड्स, जो प्रथम दिन का आपका द्वितीय 6 घंटा है उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, किस अध्ययन सामग्री का, कौन सी रणनीति, तो मैं कहूँगी आप सभी फर्स्ट डे के जो सेकंड आपका 6 आवर है उसमें आप क्या करेंगे, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका अध्ययन करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। अध्ययन का तात्पर्य ये नहीं कि पूरा आप पढ़ लेंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बस बल्कि एक सरसरी निगाह से हर एक सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा या आधे आधे घंटा जो कि लेंथी के हिसाब से आप देखेंगे। आप क्या देखेंगे, देखेंगे ये कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन की पूछे जाने की क्या प्रकृति है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन के विकल्प में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है, किस प्रकार से विकल्पों के अंतर्गत भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है, किस प्रकार से घटना चक्र का पूर्वावलोकन में बॉक्स में जो तथ्य दिए गए हैं वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आप इस 6 घंटे का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको करना ही करना होगा। उसका कारण है फ्रेंड्स, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं जिन पुस्तकों का चयन किया हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, GS में आप 100% क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हिंदी में यह संभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी में यह असंभव नहीं है बल्कि संभव है। तो आप हिंदी में आप 100% क्वेश्चन को सही करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी
प्राप्त भी की है, एज वेल एज स्टूडेंट्स जीएस में भी आपका यही मोटो होना चाहिए कि आप मैक्सिमम, अर्थात ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आप 80% क्वेश्चन के दृष्टिगत आप तैयारी करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ 100% की तैयारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन के अभाव में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही आसानी से अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अध्ययन सामग्री का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि जो चयनित आपके पुस्तकें हैं बस उसी से अध्ययन करेंगे। और मैं फिर आपको बताऊँगी प्रथम दिन के ही 1 घंटे में आप क्या तैयारी करेंगे, सामान्य ज्ञान। जी फ्रेंड्स, 6 घंटे में आप सिलेबस को देखें, साथ ही में पुस्तकों का चयन किए और देखें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप और साथ में टाइम टेबल भी बना लिए। अब आते हैं प्रथम दिन के जो दूसरा दिन होता है, दूसरा आवर होता है, उसमें आप क्या करेंगे, ये पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रीवियस ईयर के पेपर का। अब जो 1 घंटा शेष रहा, 1 या 2 घंटा, उसमें आप क्या करेंगे, लूसेंट का सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। अर्थात एक ही साथ पूरे किताब नहीं पढ़ लेना है, बल्कि देखना है कि ये किताब कैसा है, इस किताब से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। और यहाँ मैं फिर बताऊँ, जो भी आप अध्ययन सामग्री पढ़ेंगे वो रिसेंटली का होना चाहिए, अद्यतन होना चाहिए, अर्थात अपडेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस वर्ष है और पढ़ रहे हैं विगत 4 वर्ष पुराने पेपर्स को, तो ये बिल्कुल आपके साथ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि 1 साल पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया गया है थोड़े से बदलाव के साथ, और जब आप अद्यतन नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, जो कि आप क्वालिफाई होने में भी कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। तो मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप सभी 100% इस परीक्षा में सफल हो। तत्क्रम में आज आप सभी के बीच इस 3 महीने की रणनीति आप सभी को बताई जा रही है, और ये 3 महीने की रणनीति न सिर्फ आपके लिए है बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको सोचिए कि किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम की में क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड डे। जी हाँ फ्रेंड, फिर आप सोचेंगे कि मैडम तो 14 घंटे का यहाँ टाइम टेबल बना दी। यदि आप टोटली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो अनावश्यक गतिविधियों में न संलग्न होकर टोटली आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। और मैं फिर बताऊंगी फ्रेंड्स कि टाइम इज़ मनी, और यदि आप टाइम का सम्मान करते हैं तो 100% टाइम भी आपका सम्मान करेगी। तत्क्रम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी। तो अवश्य ही आप सभी समय का सदुपयोग करें, समय का सम्मान करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे आप फर्स्ट डे में जो आप टाइम टेबल बनाए हुए हैं उसको प्रत्येक दशा में फ्रेंड्स फॉलो करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आप प्रत्येक दशा में आप क्या करेंगे कि जो टाइम टेबल बनाए हैं उसको आप फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जिसको आप फॉलो करते हैं 1 माह, अर्थात इस 3 माह के प्रथम माह में, तो 100% फ्रेंड जो दूसरा माह होगा और तीसरा माह होगा और एग्ज़ाम का फर्स्ट वीक होगा वो अल्टीमेट आपका होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस 3 माह के प्रथम माह में क्या हो रणनीति। फ्रेंड्स, इस 3 माह के प्रथम माह में आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप जो भी अध्ययन सामग्री का चयन किए हैं, जिन भी पुस्तकों को चयनित किए हैं, उसको आप पढ़ना आरंभ करें। जैसे मान लीजिए आप भारतीय कृषि के किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी का आप इन्फ्लेशन का चैप्टर उठाएं, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो पूरा जब चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये ध्यान रखिए ये प्रथम माह की मैं रणनीति बता रही हूँ, जब पूरा चैप्टर उसका पढ़ लेते हैं मुद्रास्फीति से संबंधित, फिर आप तुरंत उसको दोबारा पढ़ लीजिए। दोबारा पढ़ने से क्या होता है, दोबारा पढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, तत्काल आप पढ़े रहते हैं, रिवीजन हो जाता है, जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब आप उसी समय उसके जितने भी फैक्ट, जितने जब दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय आप जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिख रहे हैं, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, जिसकी आपको आवश्यकता हो रही है कि हाँ मुझे नेक्स्ट टाइम भी इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, उसको ज़रूरी अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे यदि इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो। और फ्रेंड्स, इसी दूसरे टिप में ही आप क्या करेंगे कि मुद्रास्फीति की जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है
उसको आप साइड में भी जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है आंकड़े से संबंधित उसको नोट डाउन कर लेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स आप प्रयास करेंगे कि एक पैराग्राफ को समराइज करना लगभग 25 से 30 शब्दों में। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप इस उद्देश्य से सेकेंड टाइम में पढ़ेंगे कि हमको 25 से 30 शब्द में इसको समराइज करके लिखना है, तो ये मान के चलिए वह चैप्टर आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। सफल लोगों की यही होती है रणनीति कि वो रणनीति से तैयारी करते हैं और कम समय में बेहतर रिजल्ट देते हैं। फ्रेंड्स यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस रणनीति को फॉलो करिए, खुद आप अपने बदलाव महसूस करेंगे। ये ध्यान रखिए साथियों कि जब आप रणनीति के साथ पढ़ते हैं, कुछ परिश्रम के साथ पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आप अचीव करते ही करते हैं। अब मैं फिर आपको बताऊंगी कि जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ आपको थोड़ा सा टफ लगेगा करने में, क्योंकि कहने में बहुत आसान होता है, जब आप खुद इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है। आप सोचते कैसे मैं इसको समझ, क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको एक पैराग्राफ का 25 और 30 या 50 शब्दों में छोटा करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये तभी आप कर पाएंगे जब उस पैराग्राफ से आप भली भांति अवगत हो चुके हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो, उसका फैक्ट आपके दिमाग में लगभग एक तरह से आ चुका हो, तब उसको कहीं आप उस स्टोरी को आप शॉर्ट कर देते। आप देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी में, उसमें लेटर क्यों पूछा जाता है? लेटर इसलिए पूछा जाता है कि लेटर के सार को, लेटर का जो मूल विषय होता है उसको दो शब्दों में विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के विरुद्ध अनुशासनी कार्रवाई आरंभ किया जाना है तो संबंधित कार्मिक का नाम लिखा जाता है कि विरुद्ध किए जा रहे अनुशासनी कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ये कैसे लिखने की कला आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि आप उस चीज़ से भली भांति उस प्रकरण से अवगत हो गए रहते हैं, तत्क्रम में आप उसे छोटा कर देते हैं। और यही मैं चाहती हूँ कि आप सभी अवश्य अपने जो भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उससे आप भली भांति अवगत हो जाए। फ्रेंड्स हमको पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही ये कर पाएंगे, क्योंकि आप सुनिश्चित सफलता की रणनीति की ओर अग्रसित हैं। तो फ्रेंड्स आप इस माह हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल के अनुसार इसी रणनीति को फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं, और साथ में ये भी बता दो, संडे को टोटली और टोटली आप किसको देंगे? 4 घंटा आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, ठीक है, और बाकी जो समय बच रहा है आपका वो टोटली आप प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितने बॉक्स में फैक्ट हैं उसको खूब तैयार करेंगे, और बॉक्स में जितने भी फैक्ट हैं जो याद नहीं हो रहे उसको भी अवश्य आप सभी अंडरलाइन कर लेंगे। तो संडे की एक स्पेशल रणनीति आप जरूर बनाइएगा, और सैटरडे को भी आप एक स्पेशल रणनीति बना सकते हैं कि 6 घंटा किसी छोटे सब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि आप पर डे के अपने टाइम टेबल में एक एक छोटे छोटे सब्जेक्ट के लिए, जैसे इन्वायरमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, यूपी हुआ, सेंसस हुआ, इसको आप रोजाना में नहीं शामिल कर सकते हैं, बल्कि सैटरडे को 4-5 घंटे में एक एक सब्जेक्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए आपकी रणनीति इस 3 माह के प्रथम माह में। अब हम आते हैं इस 3 माह के द्वितीय माह में क्या करें। तो साथियों इस 3 माह के द्वितीय माह में आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जितना आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करना, और साथ में एक से दो घंटा आप एक्स्ट्रा समय देंगे, अर्थात अब आपके इस दूसरे माह में टाइम टेबल में परिवर्तन होगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा आप किसको दे रहे हैं? जितने भी आप अपने GS के जो सब्जेक्ट है उसको टिक लगाए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, समरी किए हैं, बस उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप धीरे 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 आप उस सब्जेक्ट से एकदम अवगत हो जाएंगे, एकदम मित्रवत संबंध आपका उस पुस्तक से हो जाएगा। हर एक टॉपिक जैसे लगेगा कि आपको देखने से ही समझ में आ जाता है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे। अब इस रणनीति को आप हर एक सब्जेक्ट के लिए इस द्वितीय माह में अपनाएंगे, और साथ में सैटरडे संडे को टोटल आपका स्ट्रेटजी चेंज हो जानी चाहिए। कैसे हो जानी चाहिए? अब सुने, आप इस द्वितीय माह के सैटरडे को क्या करेंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट को तो साथ में कवर करेंगे 6 घंटा देकर, इसके अलावा सैटरडे के 4 घंटा आप किसको देंगे? बस जियोग्राफी के मैप को। जी हाँ फ्रेंड, जियोग्राफी का मैप को, क्योंकि मैप से मैक्सिमम क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल, इंडिया एंड द वर्ल्ड दोनों का, अर्थात भारत और विश्व का, फिजिकल मतलब कि भौतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के मानचित्र को आप खरीदेंगे मार्केट से, और लगभग 3-3 मैप हर एक क्षेत्र से खरीद लेंगे, अर्थात फिजिकल के 3 खरीदेंगे, पॉलिटिकल के 3 खरीदेंगे इंडिया के, इसी प्रकार से वर्ल्ड के भी आप 3-3 फिजिकल और
वर्ड के ये फीड का और वर्टिकल खरीद लेंगे। हर सप्ताह आप क्या करिए, अच्छे से हर एक कलर से एक एक लोकेशन को लोकेट करिए और साथ में जो आपको विषय सामग्री जिसका आप चयन किए हैं उससे देखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ अवस्थित है। जैसे मान लीजिए लौह का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लौह के उत्पादन क्षेत्र हैं जिसको मेंशन आपके मैप के फिजिकल मैप में नहीं किया गया है, तो आप क्या करिए वहीं पर पेन से फटाफट उस जिले में जाइए जहां पर लौह का उत्पादन से संबंधित और वहीं पे टोटल उसके छोटे छोटे लौह उत्पादन जो एरियाज हैं उसको वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जो प्रोडक्शन एरियाज हैं वो अच्छे से पता हो जाएंगे, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे लोहा हो या मान लीजिए गेहूँ हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे में कौन से स्टेट का स्थान है, ये सब कुछ आप मैप पर लिख डालिए ताकि जब एक बार आप रिविज़न करें मैप का तो सब कुछ आपका तैयार हो जाए। फ्रेंड्स अब हम आते हैं, हाँ सॉरी, द्वितीय माह के अब संडे में क्या करेंगे, संडे को आप वही करेंगे जो प्रथम माह में किए थे, बशर्ते अब इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर 5 घंटा कर देंगे, 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। और 1 घंटा क्यों, 1 घंटा में आप क्या करिए, जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, जो भी आप मतलब टिक लगाए हुए हैं उसको रिविज़न करेंगे, जो भी आप सबलिस्ट किए उसको रिविज़न करेंगे, साथ में फिर दोबारा एक बार टोटल टिक के साथ ही एक एक लाइन सब फिर से आप रिविज़न करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस संडे को अर्थात द्वितीय माह के संडे का जो बाकी समय है उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर का उपयोग करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे माह, जी हाँ फ्रेंड, अब हम आते हैं तीसरे माह जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण माह होता है। फ्रेंड इस तीसरे माह में हम क्या करेंगे, 25 दिन को टारगेटेड करेंगे। इस 25 दिन में सेम आप यही रणनीति को फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे, कम से कम इस 25 दिन में आप 2 बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 से 3 बार अपनी किताबों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस 2 माह में। तो अब इसको क्या करिए, जब आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत कुछ अवगत हो गए रहते हैं, तो आप फटाफट उसको रिवीजन करने में बहुत ईजी गोइंग हो जाता है, तो 2 से 3 बार आप रिवीजन इसमें कर लीजिए। और जो लास्ट आपका 5 दिन का है उसमें बस जितने भी अंडरलाइन पुस्तकों में किए हैं, जो भी समरी बनाए उसको पढ़े, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़े, करंट अफेयर्स को पढ़े और जो अर्थव्यवस्था के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी तैयारी करें, ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उसका रिवीजन करें। फ्रेंड्स 100% आप सभी सफल होंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को यदि सफलता प्राप्त करना है आपको, तो आपको सभी को अवश्य ही हिंदी में भी अधिकतम अंक क्या बल्कि 100 में 100% लाने का प्रयास करना चाहिए। और आप इन 3 माह में 1-1 घंटा अवश्य हिंदी को दीजिएगा। आप ये ना सोचिए कि मैं कितना बार ये 6 टॉपिक पढ़ूँ, फ्रेंड्स मान के चलिए ढंग से पढ़िए, इतना दृढ़ इच्छा के साथ पढ़िए कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो, एक बार पढ़ लीजिए, जम के पढ़ लीजिए कि आप सफल हो जाए। आशा है, विश्वास है फ्रेंड्स कि आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के लिए इस 3 माह में अपने जीवन का संपूर्ण परिश्रम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही परिश्रम आपको चमकने का सुअवसर देगा। सूरज ऐसे ही नहीं चमकता है, उसके लिए उसे तपन महसूस करना पड़ता है। और फ्रेंड्स यदि आप चमकना चाहते हैं तो अवश्य तपन इस समय आपको महसूस करना पड़ेगा। आप बहुत सौभाग्यशाली है फ्रेंड्स कि आपको सुअवसर मिला है यह एग्ज़ाम देने का, यह वक्त आपके लिए है, इसका प्रयोग करिए, समय आपके अनुरूप है, तो समय का सदुपयोग करिए, अवश्य आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।